अल्लाह अब्रीवान आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे खैर खरीत से होंगे वेलकम टू पार्ट टू जिसमें आप लोगों को टेंथ क्लास बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर जो है उसके इंपॉटेंट शॉर्ट कोश्चन्स बताऊँगी एस एल ओ बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे और कुछ इंपॉटेंट तरीन डेफिनेशन भी होंगी और मैं कोशिश करूँगी कि जितना मुझे पता है मैं उतना आपको एक्सप्लन भी कर सकूँगा जैसे कि हमने चैप्टर नंबर वन में किया था उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें थी ब्रोनकाइटिस था नमोनिया उसमें बेसिकली डिजीजेस के बारे में ज्यादा था तो आ, उसके उसके मैंने कोशिश की कि आप लोगों को प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकूं और इस चैप्टर में भी इंशाल्लाह जो मुझे पता होगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी आप लोग मेरे साथ रहें और अभी तैयारी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर टू की तरफ मूव ऑन करते हैं तो चैप्टर नंबर टू आप लोगों को नेक्स्ट अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है चैप्टर नंबर टू आपका बेसिकली चैप्टर नंबर ट्वेल्व बनता है बायोलॉजी की बुक का इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं जो कि है डेफिनेशन की तरफ हम लोग बाद में बढ़ेंगे सबसे पहला है क्वेश्चन के व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरेटर ठीक है यूरेटर क्या होता है और आपने इसका फंक्शन जो है वो बताना है ठीक है उसके बाद नीचे आए तो राइट द साइज ऑफ किडनी आपकी किडनी का साइज कितना होता है ये आपको पता है ना कि किडनी का साइज डिपेंड करता है आपकी एक्सक्रिएशन सिस्टम और आपकी वाटर इनटेक पे ये बेसिक बात है ये आप लोगों को पता होना चाहिए जितना वाटर इनटेक करते हैं या आपकी आपका जितना अच्छा एक्सक्रिएशन सिस्टम है एक्सक्रेशन सिस्टम समझते हैं ना यूरेनरी सिस्टम एक्सक्रिएशन सिस्टम से वेस्ट वाटर मटेरियल बाहर जाता तो है उसको एक्सक्रिएशन excre सिस्टम कहते हैं तो so, ये आपकी किडनी हेल्थ पे डिपेंड करता है कि आपकी किडनी कितनी हेल्दी है और उसका साइज़ किस हिसाब से तो आपने मुझे साइज़ बताना है नीचे के नॉर्मल ह्यूमन का किडनी का साइज़ जो है वो क्या होता है अच्छा उसके बाद है फ्रॉम विच प्लांट्स रेजन एंड लैक्टिस आर प्रोड्यूस ठीक है ये आपने बताना वो कौन सा पौधा है जिससे रेजिजेंस और लैक्टिस जो है वो पैदा होता है उसके बाद है व्हाट इज किडनी फेलियर एंड हाउ इट इज ट्रीटेड किडनी फेलियर क्या है और इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है तो बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है छोटा सा क्वेश्चन है आपने इसको छोटा से एक्सप्लेन करना है कि जब किडनी फेलियर होता है वो वर्क करना छोड़ देती है उसकी रीज़न क्या होती है पीछे और उसको ट्रीट कैसे किया जाता है किडनी फेलियर हो जाए तो आपको पता ना हाउ इट इज इट विल बी ट्रीटेड ये फिर डायलिसिस होता है किडनी का या किडनी ट्रांसप्लांट होती है तो इस तरह से इसको ट्रीट किया जाता है जैसे आपको पता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वन किडनी से भी सरवाइव कर सकता है तो आप लोगों ने ये भी थोड़ा सा लिख देना है कि एक अगर एक किडनी फेल होती है या तो उसको रिमूव भी कर दिया जाता है या डायलिसिस किए जाते हैं और या फिर किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है तो ये इस तरह से ट्रीट हुआ हो सकता है और किडनी फेलियर क्या होता है ये आपने बताना है वेन किडनी स्टार्ट स्टॉप वर्किंग तो ये किडनी फेलियर होता है और आपको पता है कि किडनी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में और आपने उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे थोड़ी सी नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा चलिए जी स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन एनी टू मेजर कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर वही बात आगे आपने रीजन बतानी है उसके बाद है राइट द रोल ऑफ स्किन टू मेंटेन होमोस्टैटिस आपकी जल्द का क्या रोल होता है होमोस्टैटिस को uh, के लिए मेंटेन करने के लिए ठीक है उसके बाद है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन थर्मो रेगुलेशन एंड ऑसमो रेगुलेशन ठीक है इसका भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा उसके बाद राइट द अफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन टीथ ठीक है ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है इंटरमीडिएट uh, में जो स्टूडेंट्स छोटे छोटे जवान होते हैं उनको बड़ा शौक चढ़ता है स्पेशली मेल स्टूडेंट्स की बात करी हूँ को बता दूं कि, कि दांतों पे बहुत गंदा असर पड़ता है इफ़ दिस स्टार्ट स्मोकिंग इन अर्ली एज ठीक है उसके बाद नेक्स्ट टाइम कि व्हाट इज हाइड्रोफेट्स प्लांट्स और इसकी आपने एक एग्जांपल देनी है और वोकल कोड्स क्या है व्हाट इज वोकल कोड्स और इसका फंक्शन क्या है वोकल कोड्स पता ना आपके गले में होते हैं जो आपकी वोकल वॉइस प्रोड्यूस करते हैं वोकल कोड्स क्या है उसको आपने बताना next question है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर्स ऑफ वोमेन्स कैप्स्यूल वोमेन कैप्सूल क्या होती है उसका फंक्शन आपने बताना है उसके बाद है वाट वाई इज़ एक्सक्रिएशन नेसेसरी जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सक्रिएशन सिस्टम होता है जो किडनी कंट्रोल करती है वो क्यों ज़रूरी होता है ऑब्वियसली जब आपके बॉडी में वाटर इन टेक इतनी सारी हो जाएगी तो पानी जमा हो जाएगा तो आप जब तक एक्सक्रिएट नहीं करेंगी इसको उसको तो फिर ये सारा सिस्टम अल्लाह ताल के तरफ से जो बनाया गया है ये डैमेज हो सकता है तो आपका आपने बताना है एक्सक्रिएशन सिस्टम क्यों ज़रूरी है उसके बाद है द सिम्टम्स ऑफ ब्रोनकाइटिस राइट द मेजर कॉजेज ऑफ किडनी स्टोन किडनी स्टोन क्यों बनती है ये आपने बताना अच्छा लोग बचपन में मुझे लगता था कि शायद कुछ स्टोन बाकी पत्थर होता है और वो पत्थर जो मट्टी वगैरह से या गंदा बंदा खाने से होता है किडनी स्टोन जो आपकी बॉडी के अंदर नमकियात ज़्यादा हो जाती है ठीक है नमकियात या फिर किसी भी चीज़ की मकदार ज़्यादा हो जाती है तो दिस तो स्टार्ट क्लॉटिंग और किडनी वो आपकी किडनी में जाके बैठना शुरू कर देते हैं सॉल्ट हैं नमकियात हैं और एक दो और चीज़ें होती हैं जो मिलकर किडनी स्टोन बनाते हैं वो पथरी बनाते हैं वो पत्थर नहीं होता कोई जो आप बचपन में मैं समझती थी किडनी स्टोन हो गया इसने पत्थर खा लिया था इसलिए ऐसे हो गया था ऐसा नहीं होता आप लोग टेंथ क्लास में तो इसको ज़रा गौर से पड़ेगा इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ फ्यूचर डॉक्टर तो ये बड़े इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको टॉपिक्स नेक्स्ट आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपने सिम्टम्स बताने हैं किडनी ब्रोनकाइटिस के किडनी स्टोन के और उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट uh, बताना है कि मेथड ऑफ टू डायलिसिस का मेथड बताना है डायलिसिस कैसे किया जाता है फंक्शन बताना है स्किन का जैसे ये तो मैं आपसे ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइरोफाइट प्लांट्स ठीक है एक तो ऊपर हाइड्रोफाइट बताए थे तो उससे साइरोफाइट प्लांट्स के क्या फंक्शन थे वो बताने हैं और उसके बाद व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन और इसकी आपने इंपॉर्टेंस बतानी ठीक है थीके? नीचे आए तो इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आप लोगों के पास है कि लिथ्रो लेथ्रोट्रस्पी क्या होती है एक्सक्रिएशन है होमोस्टैटिस है ऑसमो रेगुलेशन की डेफिनेशन है नेफ्रोन है एक्सक्रिएशन है एक्सक्रिएशन दो दफ़ा हो गई है नेफ्रोन्स से एक्सक्रिएशन है उसके बाद आ, नेक्स्ट डेफिनेशन आप लोगों स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हीलस क्या होता है ग्यूटैटन क्या है एम्फिमा क्या है और उसके बाद ओसमोस क्या है और Zetrophied क्या होते हैं, ये plants होते हैं जो plants की है आपने इसको उसके बाद Glomerulus Filtrate क्या होता है आपने बताना है ये आपने बताना आपके लास्ट क्वेश्चन थे तो आई होप ये वीडियो आप लोग भी तो, करना मत भूलिएगा ये आपका चैप्टर नंबर टू हो गया बायोलॉजी का टेंथ क्लास के वो स्टूडेंट्स जो प्री नाइन्थ या प्री टेंथ कर रहे हैं प्री नाइन्थ तो नहीं खैर वो तो जो प्री टेंथ कर रहे हैं किसी महंगी एकेडमी से वो भी चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है इन क्वेश्चंस का अगर आपको आंसर आता है और आप इतनी महंगी एकेडमीज़ में जा रहे हैं और अगर आपको इस क्वेश्चंस का इन बहुत बेसिक क्वेश्चंस का आंसर नहीं आता है, तो इसका मतलब आप अपना टाइम वेस्ट करें तो अपना टाइम वेस्ट मत करें अच्छी जगह इन्वेस्ट करें अपने फ्यूचर की फिक्र करें स्पेशली जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनको अभी से ही रेस पकड़ लेनी चाहिए और आगे जाके जो है उनको कोई भी बेसिक क्वेश्चन ऐसा ना हो कि आपको ना आता हो और आप एफ में या एम डी कैट में आगे जाके हैं ठीक है तो अपने आप को मोटिवेट करें अच्छी बात है पढ़ना और अच्छी बात है नॉलेज गेन करना जब ये टाइम गुजर जाएगा ना फिर आप लोगों को लगेगा कि भाई हम उस टाइम पे सही पढ़ लेते हमें पता होता ऑसमो रेगुलेशन क्या होती है या फिर हमें पता होता किडनी फेलियर की का क्या कॉजेज होती हैं तो हम लोग एम डी में जाके ये प्रॉब्लम्स फेस ना करते फ्यूचर में कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में जाके प्रॉब्लम फेस ना करते तो अपने आपको मोटिवेट करें बड़े इंटरेस्टिंग बुक्स होती है बुक्स पढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं होती मजा आता है तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए थम्सअप करिएगा और मुझे फ़िलहाल दे इजाज़त तब तक के लिए लापस